मथुरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति हर वर्ष की भांति चार दिवसीय महोत्सव मेला दीनदयाल धाम फरह मथुरा में संभावना सम्मेलन के साथ हुआ शुभारंभ, जिसमें मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता सतपाल जी महाराज मंत्री उत्तराखंड सरकार के द्वारा कराया शुभारंभ। इस मौके पर सद्भावना सम्मेलन का हुआ आयोजन, जिसमें सतपाल महाराज के उद्बोधन को सुनने के लिए हजारों की संख्या में गाड़ियों में भर भर कर पहुंचे लोग। मेला कमेटी के पदाधिकारियों ने महाराज का स्वागत एवं आभार प्रकट किया। इस मौके पर महाराज जी ने भी मेला कमेटी का आभार प्रकट किया। जैसे आप देखेंगे कि एक एटम होता है, एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है, उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन बटवाते हैं। सौरमंडल के अंदर सूर्य के चारों तरफ सारे हमारे ग्रह बटवा कर रहे हैं, इसी प्रकार से राधा कृष्ण के चारों तरफ जो हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है उसके चारों तरफ सारा राष्ट्र का रहता है, यही सृष्टि का कारण है। क्या है सबसे पहली बात तो यह है कि हमें ग्रीन इंडिया करना पड़ेगा और हरित क्रांति के लिए पूरा योगदान देना पड़ेगा और जो विदेश की टेक्नोलॉजी है एक्वाफोनिक और हाइड्रोफोनिक टेक्नोलॉजी उसको लाना पड़ेगा ताकि हम फार्मिंग कर सकें, कम पानी में अधिक उगा सकें। तो बहुत ये ज़रूरी है क्योंकि पानी की जो है खपत कम होती जा रही है, डार्क जोन बनती जा रही हैं, पानी बहुत वाटर लेवल बहुत नीचे पहुँच गया है। पंप लगाने से और ट्यूबवेल लगाने से हमने पानी का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर दिया है, तो कम पानी में खेती हो जैसे इसराइल में होती है उस टेक्नोलॉजी को लाना होगा जिसे एक्वाफोनिक हाइड्रोफोनिक फार्मिंग कहते हैं। सर मथुरा की धरती पर किस तरह का संदेश दिया जाए? अब संदेश यही है कि हम प्रेरणा लें दीनदयाल उपाध्याय जी से, उनकी जयंती मना रहे हैं और जो उनका लक्ष्य था कि सुफलाम और शीतलाम को जो चरितार्थ करना है वो करना है, उनका अंत्योदय की उनकी भावना थी उसको पूरा करना है। गाँव के अंतिम छोर पर हम अगर व्यक्ति का विकास करेंगे तो वो असली विकास है। मिलावटखोर के लिए सर उस पर भी योगी जी ने भी कहा है, सर आपका क्या? नहीं, मिलावटखोरी तो नहीं होनी चाहिए और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो तिरुपति मंदिर के अंदर जो मिलावट हुई है, ये सनातन को नष्ट करने की एक प्रयास है और सनातन नष्ट नहीं होगा, सनातन सनातन रहेगा। धन्यवाद। हमें मथुरा जनपद में जो आज फरह में जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो स्मृति मेला लगा उसके आयोजक हैं मेरे साथ, उनसे जानेंगे किस तरह का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। सर पिछले मेरे ख्याल से 82 साल से कंटिन्यूस ये मेला लग रहा है और एक ग्रामीण परिवेश में कैसे व्यवस्थाएं हम अच्छी कर सकते हैं, कैसे आपस का, आपने देखा होगा कि यहाँ पुलिस प्रशासन या आपस की कोई जैसे बाउंसर वगैरह रखते हैं, वो मेले में ऐसा कुछ नहीं होता है। सारे क्षेत्रवासी अपने आप को अपने आप को समझते हैं कि ये मेरा मेला है, ऐसा नहीं कि ये किसी एक व्यक्ति विशेष का मेला नहीं समझते हो उसको कि एक व्यक्ति विशेष का मेला है, उस कारण से ये सारी कहानियाँ होती हैं, सब अपना समझते हैं। इसलिए आपने कोई दंगे फसाद चोरी या बहन बेटियों के साथ में कोई ऐसा कोई आपने आज तक नहीं देखा होगा। 82 साल से तो मैं देख रहा हूँ, सुना है, मैंने देखा तो नहीं, उम्र तो मेरी 45 साल की है। एक विशेष कार्यक्रम जिसमें सतगुरुदेव सतपाल जी महाराज का भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, किस तरह का महसूस कर रहा है? आपस में एक सद्भाव का, आपस में मेल मिलाप का, इसलिए महाराज जी को बुलाया तो महाराज जी संतों से क्या भावना जाती है वो आपको बताया। देश में क्या कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश सरकार के लिए जिस तरह का ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है? नहीं, ये सरकार उत्तर प्रदेश सरकार का कार्यक्रम नहीं है, ये पहली बार, ये किसी गवर्नमेंट का कार्यक्रम नहीं होता है ये कभी भी, ये एक संस्थान है, उस संस्थान के थ्रू यहाँ के जितने भी लोकल लोग हैं वो सब आयोजित करते हैं। थैंक यू। मेरे साथ थे आयोजक जो बता रहे थे किस तरह का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मथुरा से देव प्रकाश, TV 39 न्यूज़।